भारतीय जनता पार्टी के एक इलेक्टेड सांसद पार्लियामेंट में बैठ के इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मुझे शर्म आ रही है उन शब्दों को यहाँ पे दोहराते हुए। शर्म आती है क्या नरेंद्र मोदी को? शर्म आती है क्या अमित शाह को? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा ने माफी मांगी क्या? पार्लियामेंट में ये बोलना जरा भी शोभा देता है क्या? एक रूलिंग पार्टी का एमपी ये बात बोल रहा है और पीछे केंद्रीय मंत्री हंस रहे हैं कि उनके एक सांसद ने एक धर्म विशेष को बेइज्जत किया है, गाली दी है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। चले जाएंगे, कुछ भी बोला जाएगा पढ़ाई छुड़वा देंगे, कुछ भी बोला जाएगा मुकदमा करवा देंगे, छात्रों को मारा जाएगा, कोई मेरी ही लिंचिंग कर देगा। जैसे नजीब आज तक नहीं मिला, हो सकता है कल को मैं नहीं मिलूंगा, मेरी माँ भी इंतज़ार करती रह जाएगी। मैं बहुत अधिक कितना विरोध कर पाऊंगा, हम बहुत अधिक कितना विरोध कर पाएंगे, लेकिन अंत तक तो विरोध करेंगे ही करेंगे। आज जैसे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय आके खड़ा हुआ है विरोध में, ऐसे ही अंत तक भी विरोध करेंगे। बचपन से सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि हम आपस में बैर नहीं करेंगे और उस तारीख पे भरे पार्लियामेंट में एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक इलेक्टेड सांसद दिल्ली के साउथ दिल्ली से आने वाले, जहां पे कहते हैं कि देश के सबसे इलाइट क्लास रहती है, उस जगह से आने वाले सांसद उस पार्लियामेंट में बैठ के अतः गंदे शब्दों का इस्तेमाल एक समाज के लिए करते हैं, एक धर्म विशेष के लिए करते हैं, वो इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मुझे शर्म आ रही है उन शब्दों को यहाँ पे दोहराते हुए। लेकिन जब उनको नहीं आई तो मुझे मीडिया और तमाम देश के आगे बताते हुए भी एक बार भी संकोच करना नहीं चाहिए कि उन्होंने एक विशेष धर्म के लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया, उन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग किया, उन्होंने मुल्ला जैसा शब्द प्रयोग किया, उन्होंने बेइज्जत की है, एक समाज को बेइज्जत किया है, एक धर्म विशेष को बेइज्जत किया है। बाहर तो सुनते आ रहे थे, चलता था, मान लेते थे, कहते थे ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं जो गलत भी होते हैं, मगर क्या पार्लियामेंट में ये शोभा देता है? पार्लियामेंट में ये बोलना जरा भी शोभा देता है क्या? एक रूलिंग पार्टी का एमपी ये बात बोल रहा है और पीछे केंद्रीय मंत्री हंस रहे हैं। शर्म आती है क्या नरेंद्र मोदी को? शर्म आती है क्या अमित शाह को? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा ने माफी मांगी क्या कि उनके एक सांसद ने एक धर्म विशेष को बेइज्जत किया है, गाली दी है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय बता देना चाहता है हर एक सांसद को और हर एक इस तरीके के गलत शब्दों के प्रयोग करने वालों को और रमेश भिदुड़ी को कि जरा भी आपकी ये की गई हुई गलत बात नहीं सही जाएगी। और हम चाहते हैं कि इसी वक्त तत्काल हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष उनको निलंबित करें, उनको एमपी पोस्ट से हटाएं, ये हम चाहते हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की मांग है। यहाँ पे तमाम संगठन आज जमा हैं, एक एक करके सभी संगठनों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कम्युनलिज्म डाउन 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 कम्युनलिज्म डाउन 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 सेक्युलरिज्म लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव अल्पसीमान हो बर्बाद हो बर्बाद।
हो बर्बाद हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 नहीं सहेंगे, 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 अल्लाह बोल, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अरे पार्लियामेंट से बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अरे अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, बर्खास्त करो, अरे नवीन मजदूरी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त,